पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच सकलैन मुश्ताक का कहना है कि ट्रॉफी हासिल करने का मकसद लेकर आए हैं, खिलाड़ी मेहनत कर रहे हैं, कौम दुआएं करे। उनका कहना था कि इवेंट में स्पिनर्स का किरदार बहुत अहम है और अभी तक हमारे स्पिनर्स ने अपना रोल बखूबी निभाया है। सारे के सारे जो है ना वो जल हुए पड़े और सब एक मकसद पे आए हुए हैं और मेरा ये मानना है कि जब ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो वो एक टीम बन जाती है। हम इंग्लिश में इसको कहते हैं टुगेदर ईच अचीव मोर। जब दुआएं चलती हैं उसके ऊपर जो है वो बरकतें आती, तो पूरी कौम दुआएं कर रही है जिसकी वजह से बॉडी लैंग्वेज आपको नज़र आ रही है। ट्रॉफी को पकड़ना है तो हम अपनी डायरेक्शन को किसी और तरफ लेके जाना चाह रहे हैं और बल्कि कोशिश कर रहे हैं कि रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, एफर्ट हमारे हाथ में है, प्लेइंग टुगेदर हमारे हाथ में है। जो कंट्रोल चीज़ें हमारे हाथ में, जो हम कंट्रोल कर सकते हैं उनको कंट्रोल करें, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। और एक दूसरे को सपोर्ट करें, अपने अपने प्लान खुले दिल से एग्जीक्यूट करें, कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। विनर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और हमारी तरफ से जाहिर है पावर प्ले में भी और मिडल ओवर्स में भी हमारे स्पिनर्स के ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी है और अल्हम्दुलिल्लाह सो फार जिम्मेदारी को वो बड़े अच्छे तरीके से निभा रहे हैं।